हेलो एवरीवन, नमस्कार। टीवीएल कोचिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आज कक्षा दसवीं के कुछ बच्चों के साथ हम संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उल्लेख करेंगे। हम बारी बारी से सही प्रश्नों को पूछेंगे और कुछ बच्चे आ करके उनका सही सही जवाब देंगे। प्रत्येक बच्चों से 10-10 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होगा, क्योंकि वीडियो जो है ना कक्षा दसवीं के संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समीप कौन जाता है? इंद्र। कर्ण किस देश के राजा थे? अंग देश के। सही है। इंद्र क्या चाहते थे? भिक्षा। समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाता है? विद्या। कलह कौन बढ़ाते हैं? शत्रु देश। आज अशांति सागर तट पर कौन स्थित है? संपूर्ण संसार। असहिष्णुता किसकी जननी है? द्वेष की। शास्त्रों का निर्माण किसने किया था? ऋषि मुनियों ने। वेदांग कितने हैं? 6। वेद कितने हैं? 4। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। पुराण कितने हैं? 18। इस तरह हमने इस लड़की से 10 प्रश्न पूछा, 10 में से 10 सभी प्रश्न का उत्तर इस लड़की ने सही दिया है। तो अब हम बुलाना चाहते हैं अगले स्टूडेंट को। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कुटनी मतम के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा किनकी रचना है? राजशेखर की। कौमोदी महाउत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? गंगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक जी। बीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री। आलस कथा के रचयिता कौन थे? विद्यापति। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माँ। बीजांका किस वर्ण मतलब रंग की थी? श्याम रंग की। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की? पंडित छमराव। मधुरा बीजियम किसकी रचना है? गंगा देवी का। ठीक है, इस लड़की ने भी सभी सवालों के उत्तर सही दिया है, बस एक सवाल का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब हम बुलाना चाहते हैं अगले स्टूडेंट को। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्तनीज। पटना में कौमुदी महाउत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। और किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु। स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? दांडी ने। किसको कहा है? बीजांका को। बीजांका किनकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? टंकरा में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी। संस्कार कितने हैं? 16। भिखनटोला गांव में किनका जन्म हुआ था? राम परवेश राम का। शंकर चरितम किनकी रचना है? पंडित छमराव की। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। पटना में कौमुदी महाउत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। मधुरा बीजियम किसकी रचना है? गंगा देवी की। भिखनटोला गांव कौन देखने आए थे? शिक्षक। राम परवेश राम के घर में कितने लोग थे? 4। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा में। भिखनटोला गांव कौन देखने आए? शिक्षक। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। आलस कथा के रचयिता कौन थे? विद्यापति।
कौमुदी महाउत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। विजयांका किस वर्ण की थी? श्याम। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानी। वाह जा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कुटनी मतम के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। कौमुदी महाउत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु। पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदल। आलस कथा के रचयिता कौन थे? विद्यापति। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षा कौन है? माँ।